जय हिंद साथियों, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मैं मध्य प्रदेश पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों ने डेमो क्लासेस देखी होंगी उम्मीद है। तो मध्य प्रदेश की शुरुआत करते हैं आज। तो शुरुआत करते हुए हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश का मानचित्र यदि हमें याद है, मध्य प्रदेश के मानचित्र से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आते हैं और हर बार परीक्षा में पूछे भी जाते हैं और घुमा फिरा के आते हैं। तो मध्य प्रदेश का मानचित्र हमें याद होना चाहिए और जितनी भी चीजें हैं बाकी की, जैसे मध्य प्रदेश की नदियां भी पढ़ेंगे हम। तो जैसे बात करें हम कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के कितने जगहों से होके जाती है, इनकी क्या है संख्या याद करनी पड़ेगी यदि मानचित्र याद नहीं है तो। लेकिन मानचित्र याद है तो आपको जिले अपने आप याद हो जाएंगे कि कहाँ कहाँ से किस तरीके से गुजर रही है, उसकी उत्तरी सीमा बना रही है कि दक्षिणी सीमा बना रही है, या क्या है मध्य से होके गुजर रही है। ये सारी जानकारी आपके पास होगी यदि आपके पास मानचित्र का ज्ञान है तो। तो आज शुरुआत करते हैं हम मध्य प्रदेश के मानचित्र से, मध्य प्रदेश के मानचित्र से। तो शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के मानचित्र से। उम्मीद है स्क्रीन पे आपको सब दिखाई दे रहा होगा, मेरी आवाज अच्छी आ रही होगी आपको। चलिए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश का मानचित्र। तो सबसे पहला प्रश्न तो यही है कि मध्य प्रदेश जो है कितने राज्यों की सीमाओं को छूता है, अर्थात मध्य प्रदेश के जो पड़ोसी राज्य हैं उनकी संख्या कितनी है। तो उनके संबंध में देखा जाए तो मध्य प्रदेश का ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ जो ये बाउंड्री दिखाई दे रही है आपको, ये वाली यहाँ, तो ये जो बाउंड्री है ये पूरी पूरी बाउंड्री है। इधर की तरफ उत्तर प्रदेश आ जाता है, इधर की तरफ आ जाता है हमारा मध्य प्रदेश, मतलब यहाँ आ जाता है राजस्थान और ये हमारा मध्य प्रदेश है। तो एक सीमा ये है। अगर इसको हम ब्लैंक पेज पे बना के देखें तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। कुछ इस तरीके का हमारा मध्य प्रदेश दिखाई देता है, कुछ इस तरीके का हमारा मध्य प्रदेश दिखाई देता है। ये बाहरी सीमा रेखा है, उसकी बाहरी बाउंड्री है। आप देखते हैं कि पड़ोसी राज्य कितने हैं। तो यहां से हम देखें इधर की ओर, ये जो है यहां से हम देखें तो यहां से लेके यहां तक जो एक राज्य है मध्य प्रदेश का पड़ोसी, इसका नाम है उत्तर प्रदेश। क्या नाम है इसका? उत्तर प्रदेश। फिर इसके पश्चात इस रेखा से लेके इस रेखा तक देखें हम, तो यहां से लेके यहां तक हमारा पड़ोसी राज्य है, उसका नाम है छत्तीसगढ़। उसका नाम क्या है? छत्तीसगढ़। फिर हम यहां से लेके यहां तक फिर देखें तो यहां तक जो है वो है महाराष्ट्र। कौन सा पड़ोसी राज्य है हमारा? महाराष्ट्र। फिर यहां से लेके यहां तक सबसे कम सीमा बनाता है वो है हमारा गुजरात। तो गुजरात हमारा पड़ोसी राज्य है। फिर हम देखेंगे कि इस सीमा रेखा से लेके इस सीमा रेखा तक जो राज्य है हमारा, उसका नाम है राजस्थान। उसका नाम है राजस्थान। तो इस तरीके से हम देखें तो पहला प्रश्न था हमारा कि मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्यों की संख्या कितनी है, या मध्य प्रदेश कितने राज्यों की सीमाओं को छूता है। इस तरीके से प्रश्न है तो उसका जवाब क्या होगा? 5। अगर हम पूछें कि किस दिशा में कौन सा राज्य है तो उसके संबंध में देखें तो दिशाएं हमें लगभग पता होंगी, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं एक बार। इस तरीके से हम देखते थे तो यहां देखेंगे तो इस दिशा में होगा हमारा पूरब, तो इस दिशा में कौन सा होगा? पश्चिम। तो इस दिशा में कौन सा होगा? उत्तर। तो इस दिशा में कौन सा होगा? दक्षिण। ठीक है, इसी चीज को उठा के मैं बीच में रख दूं यहाँ पे और बोलूं कि बताइए कि हमारे मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में, अर्थात पूर्वी सीमा से लगा हुआ राज्य कौन सा है। तो हम बता देंगे कि पूरब की दिशा में होगा, इस दिशा में, तो हमारा पूर्वी पड़ोसी राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़। ऐसा ही पूछा जाए कि दक्षिणी पड़ोसी राज्य कौन सा है तो हम बता देंगे कि महाराष्ट्र। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ आपको। अब आगे चलते हैं कि मध्य प्रदेश का जो मानचित्र है वर्तमान में, जो 53 जिले हैं, वो 53 जिले किस प्रकार हैं, कहाँ कौन सा जिला व्यवस्थित है, वो हम देखेंगे मानचित्र में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि सबसे पहले जो जिला है हमारा वो ये है पूरा पूरा। कौन सा है? ये है पूरा पूरा। इसका नाम मुरैना था। इसका नाम क्या है? मुरैना था, आज भी है मुरैना। लेकिन मुरैना का जो क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल में थोड़ी सी कमी आई है। क्यों? क्योंकि मुरैना का ये दक्षिण पश्चिम जो क्षेत्र है उसको काट के एक नया जिला बन चुका है जिसका नाम क्या है? श्योपुर। तो पहला प्रश्न इसके साथ में ये भी हो गया है कि श्योपुर जिला जो बना है कौन से जिले को काट के बनाया गया है।
तो मुरैना जिले को काट के बनाया गया है। फिर मुरैना है, फिर मुरैना में हम देखेंगे मुरैना की पूर्व दिशा में क्या है हमारा, भिंड है। मुरैना के पूर्व दिशा में क्या है हमारा, भिंड है। फिर हम देखेंगे कि मुरैना के दक्षिण में क्या है, तो ग्वालियर है। फिर हम देखेंगे ग्वालियर है तो ग्वालियर के पूर्व में देखेंगे हम तो क्या है हमको दिखाई देता है, दतिया दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है हमको, दतिया दिखाई देता है। फिर ग्वालियर के दक्षिण में, दतिया के दक्षिण में, और लगभग श्योपुर के दक्षिण पूर्व में हम देखेंगे तो क्या है, शिवपुरी है। क्या है, शिवपुरी है। शिवपुरी है। पर शिवपुरी से दक्षिण में चलते हैं तो हमें ये पूरा पूरा गुना दिखाई देता है पहले, ठीक है। गुना बहुत बड़ा था तो इसका पूर्वी हिस्सा काट के हमने क्या बना दिया है, अशोकनगर। तो गुना को काट के क्या बना दिया हमने, अशोकनगर। फिर उसके पश्चात देखते हैं हम अशोकनगर से नीचे आते हैं, गुना से नीचे आते हैं तो हमको विदिशा दिखाई देता है, विदिशा। फिर विदिशा के नीचे दिखाई देता है हमको भोपाल। क्या दिखाई देता है हमको, भोपाल। तो यहां तक रुकना है हमको भोपाल में, यानी हमने देखा था शुरुआत जो यात्रा है मानचित्र की वो तो किस जिले से की है हमने, मुरैना से। मुरैना से काट के क्या बनवा दिया है हमने, श्योपुर। फिर मुरैना के पूर्व दिशा में देखा पड़ोसी जिला है उसका कौन सा है, भिंड। फिर उसके नीचे आए हम अर्थात मुरैना के नीचे, तो हम अर्थात दक्षिण दिशा में, तो हमें पता चला है कि यहाँ पे ग्वालियर जिला है। अब ग्वालियर में खड़े हैं और पूर्व दिशा की ओर देख रहे हैं तो हमको क्या दिखाई दे रहा है, दतिया दिखाई दे रहा है। अब ग्वालियर से दक्षिण में देखते हैं हम तो शिवपुरी, और शिवपुरी के दक्षिण में आते हैं तो गुना, लेकिन गुना बहुत बड़ा है तो गुना का पूर्वी क्षेत्र काट के एक और जिला बनाया गया था गुना से, क्या नाम है उसका, अशोकनगर। अब अशोकनगर और गुना से नीचे आते हैं तो हमको विदिशा दिखाई देता है, और विदिशा के नीचे आते हैं तो हमको भोपाल दिखाई देता है, ठीक है, भोपाल दिखाई देता है। भोपाल दिखाई देता है। अब भोपाल के पश्चात हम देखते हैं, भोपाल के पश्चात हम देखते हैं कि भोपाल के राइट में जो है वो रायसेन है, भोपाल के राइट में जो है वो रायसेन है, और लेफ्ट में जो है वो सीहोर है। ऐसे देखेंगे भोपाल से राइट में हमको क्या दिखाई दे रहा है, रायसेन दिखाई दे रहा है ना, आर से राइट और आर से ही रायसेन। तो भोपाल के राइट में रायसेन, लेफ्ट में सीहोर, ये क्रम रखना है हमको, भोपाल के राइट में रायसेन, लेफ्ट में सीहोर। अब यहां से जब भी हम मानचित्र में आगे बढ़ेंगे, जब भी हम मानचित्र में आगे बढ़ेंगे तो हमेशा हम क्लॉकवाइज बढ़ेंगे, कहाँ बढ़ेंगे, क्लॉकवाइज बढ़ेंगे इस तरीके से। तो जब भी हम मानचित्र में बढ़ेंगे तो क्लॉकवाइज बढ़ेंगे। तो हम यहां तक पहुंच चुके हैं अर्थात हमने ये भोपाल बना लिया है, भोपाल के राइट में हमने देख लिया है रायसेन है और लेफ्ट में हमने देख लिया है सीहोर है। हम अब हम इधर की ओर जाएंगे तो इधर देखेंगे यहाँ एक जिला मिलेगा हमको जिसका नाम क्या है, सागर। जिसका नाम क्या है, सागर। देखते हैं मानचित्र में सागर कहाँ है, बिल्कुल सही है, तो ये क्या है, सागर है। अब सागर में खड़े हैं हम तो सागर के पूर्व दिशा की ओर देख रहे हैं तो हमको क्या दिखाई दे रहा है, दमोह। क्या दिखाई दे रहा है हमको, दमोह। फिर हम ऊपर की ओर देखते हैं दमोह और सागर के ऊपर ऊपर की ओर, तो यहां से लेके एकदम यहां तक जो मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है सिंगरौली, वहां तक एक जिलों का क्रम दिखाई देता है, जिलों का एक क्रम दिखाई देता है। और वर्तमान में जो नवीन जिला बना हुआ है वो जिला भी इसी क्रम में आ जाएगा, ठीक है। तो वो क्रम क्या है वो देखते हैं हम। तो सबसे पहले देखते हैं टीकमगढ़ से, सबसे पहले कहाँ से देखते हैं, यहां से मैं कलर चेंज करके आपको समझाता हूँ। यहां से देखेंगे तो सबसे पहले ये दिखाई देगा हमको टीकमगढ़, बहुत बड़ा जिला है टीकमगढ़। तो टीकमगढ़ का हम उत्तर पश्चिमी क्षेत्र काट के एक जिला बना देंगे जिसका नाम रखेंगे निवाड़ी। तो टीकमगढ़ को काट के क्या बनाया गया है, निवाड़ी। तो एक प्रश्न यहाँ से भी बनता है कि निवाड़ी जिले का गठन किस जिले को काट के किया गया है, तो बता देंगे हम टीकमगढ़। तो टीकमगढ़ से नीचे की तरफ आते हैं अर्थात पूर्व दिशा की ओर बढ़ते हैं तो हमें छतरपुर मिलेगा, कौन सा मिलेगा, छतरपुर। अब छतरपुर से पूर्व दिशा की ओर जा रहे हैं तो छतरपुर के बाद हमको मिलेगा पन्ना, पन्ना से पूर्व दिशा की ओर जा रहे हैं तो हमको मिलेगा सतना, सतना से पूर्व दिशा की ओर जा रहे हैं तो हमको इस तरीके से ये मिलेगा रीवा। क्या मिलेगा, रीवा। लेकिन हम जानते हैं कि रीवा को काट के ही वर्तमान में एक सबसे नवीन जिला बनाया गया है जिसका नाम क्या रखा गया है, महोगंज। जो महोगंज है वो रीवा का ये वाला हिस्सा है, तो ये वाला हिस्सा जो काट के बनाया गया है ये कौन सा है, महोगंज। फिर महोगंज से आगे की तरफ बढ़ते हैं हम, महोगंज से आगे की तरफ बढ़ते हैं हम तो देखते हैं इस तरीके से, तो ये है हमारा पूरा पूरा इस तरीके से पहले देखते हैं तो ये पूरा पूरा जिला है हमारा, इसका नाम क्या है, सीधी है। क्या नाम है इसका,
सीधी है, सीधी बहुत बड़ा जिला है, तो सीधी का पूर्वी क्षेत्र काट के एक और जिला बना दिया गया था उसमें से, जिसका नाम क्या है, सिंगरौली। तो इस तरीके से हमने क्रम देखा है, अर्थात सागर दमोह से ऊपर की तरफ हमने एक व्यवस्थित क्रम देखा है जिलों का। शुरुआत की थी हमने टीकमगढ़ से, और टीकमगढ़ का हमने देखा कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र हमने काट के क्या बना दिया है, निवाड़ी बना दिया है। फिर निवाड़ी, टीकमगढ़, फिर आगे हम देखते हैं कुल दिशा की ओर छतरपुर मिलेगा, छतरपुर से आगे पन्ना मिलेगा, पन्ना से आगे सतना मिलेगा, सतना से आगे रीवा मिलेगा, और रीवा का हमने उत्तर पूर्वी क्षेत्र काट के एक जिला बनाया है जो वर्तमान में सबसे नवीन जिला है। और ये मान के चलिए इस बार की प्रीलिम्स में इस जिले का नाम, इससे संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं वो एक प्रश्न आपको दिखाई देगा। तो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है इसमें महुगंज। तो महुगंज किसको काट के बनाया गया, यहाँ महुगंज के संबंध में आगे जानकारी मैं दूंगा आपको, कहाँ से कैसा प्रश्न बन सकता है, इसके संबंध में क्या क्या फैक्ट हो सकते हैं। तो महुगंज हो गया, महुगंज से आगे की ओर बढ़ते हैं तो हमें सीधी मिला, और सीधी का पूर्वी क्षेत्र काट के हमने क्या बना दिया, सिंगरौली। तो उम्मीद है यहां तक समझ में आया होगा। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम, तो इसके आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि यहाँ जो जिला है ये पूरा पूरा ऐसे करके, इस जिले का नाम क्या है, सहडोल। बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, इतना बड़ा वर्तमान में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि शहडोल का पश्चिमी क्षेत्र काट के एक जिला बन चुका है इसमें से, जिसका नाम रख दिया है हमने उमरिया, और शहडोल का दक्षिण क्षेत्र काट के इसमें से एक और जिला बनाया है हमने, जिसका नाम रखा है अनूपपुर। क्या नाम रखा है हमने, अनूपपुर। तो शहडोल के हमने दो हिस्से और कर दिए, पश्चिम की दिशा में हमने उमरिया बनाया है, और दक्षिण की दिशा में हमने क्या बना दिया है, अनूपपुर। फिर आगे आगे बढ़ते हैं अनूपपुर और उमरिया के नीचे की ओर ऐसे करके, तो हमें एक जिला दिखाई देता है जिसका नाम क्या है, मंडला। जिसका नाम क्या है, मंडला। तो मंडला भी बहुत बड़ा जिला है, तो मंडला का ये पूर्वी हिस्सा काटेंगे ऐसे करके तो हम बना देंगे यहाँ पे क्या, डिंडोरी। क्या बना देंगे, डिंडोरी बना देंगे, और उसके पश्चात डिंडोरी के नीचे, मंडला के नीचे हम ये किनारे पे एकदम बना देंगे बालाघाट। क्या बना देंगे, बालाघाट। तो हमने देखा कि शहडोल, शहडोल का पश्चिमी क्षेत्र काट के हमने उमरिया बना दिया, और शहडोल का दक्षिण क्षेत्र काट के हमने क्या बना दिया है, अनूपपुर। फिर उसके पश्चात हम नीचे की तरफ आए तो हमें मंडला दिखाई दिया, तो मंडला बनाया हमने। फिर मंडला का पूर्वी क्षेत्र काट के उसमें से एक और जिला बनाया हमने, उसका नाम रखा हमने डिंडौरी। फिर उसके नीचे आए हम, अर्थात डिंडौरी के नीचे, मंडला के नीचे, तो हमें पता चला कि एकदम किनारे पे बना हुआ एक जिला है जिसका नाम क्या है, बालाघाट। तो हम बालाघाट तक की यात्रा कर चुके हैं, बालाघाट तक की यात्रा कर चुके हैं। अब बालाघाट से चलना है हमें यहाँ तक, अर्थात बालाघाट से हमें पश्चिम दिशा की ओर जाना है, पश्चिम दिशा की ओर जाना है। एकदम व्यवस्थित क्रम है, जिस तरीके से निवाड़ी से लेकर सिंगरौली तक का क्रम देखा है, ऐसा ही व्यवस्थित क्रम यहाँ दिखाई देगा हमको। तो चलते हैं हम आगे की ओर, तो बालाघाट है, बालाघाट से आगे चले हम पश्चिम दिशा की ओर, तो हमको ये मिल गया सिवनी। क्या मिल गया हमको, सिवनी। फिर सिवनी से पश्चिम दिशा की ओर चले तो ये हमको मिल गया छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा से पश्चिम दिशा की ओर चले तो ये मिल गया हमको बैतूल। क्या मिल गया हमको, बैतूल। फिर इसके पश्चात हम देखते हैं, यहाँ एक बहुत बड़ा जिला हुआ करता था अंग्रेजों के समय में, ऐसे बहुत बड़ा जिला हुआ करता था अंग्रेजों के समय में ये, जिसका नाम था निमाड़। क्या नाम था, निमाड़ था। फिर अंग्रेजों के समय ही इसके दो हिस्से किए गए ऐसे करके, ये दिशा यहाँ के सापेक्ष पूर्व कहलाएगी और ये दिशा यहाँ के सापेक्ष पश्चिम कहलाएगी। तो निमाड़ के दो हिस्से किए गए, जिनमें से नामकरण भी ऐसे हुआ कि ये वाला हिस्सा है पूर्व दिशा की ओर, तो इसका नाम रखा गया पूर्वी निमाड़, और ये जो है पश्चिम की ओर जो निमाड़ है उसका नाम क्या रखा गया, पश्चिम निमाड़। लेकिन आज हम इस नाम से इन जिलों को नहीं जानते हैं, तो वर्तमान में क्या नाम है, तो पूर्वी निमाड़ का नाम क्या है वर्तमान में, खंडवा, और पश्चिमी निमाड़ का नाम क्या है, खरगोन। ठीक है, यहां से प्रश्न आए हुए हैं, अगर 2009 से पहले की प्रीलिम्स हम देखें, एमबीबीएस प्रीलिम्स, तो उनमें दिखाई देते हैं ये दोनों प्रश्न आपको समझ में आते हैं कि पूर्वी निमाड़ का नाम क्या है, पश्चिमी निमाड़ का नाम वर्तमान में क्या है। इस तरीके से प्रश्न आए हुए हैं, और पूर्वी निमाड़ पश्चिमी निमाड़ क्या है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब इसके पश्चात आगे की ओर चलते हैं हम, इसके पश्चात आगे की ओर चलते हैं तो खंडवा है, तो खंडवा भी बहुत बड़ा है, तो खंडवा का क्या है, हम दक्षिण हिस्सा काटेंगे ऐसे करके, और इसमें से एक जिला बना देंगे जिसका नाम रखेंगे हम बुरहानपुर। ठीक है, तो बुरहानपुर किस जिले को काट के बनाया है हमने, तो उम्मीद है समझ में आया होगा कि खंडवा है। और ऐसे ही हम जाते हैं कि जो पश्चिमी निमाड़ है जिसका नाम हमने खरगोन रखा है,
उसका भी हमने पश्चिमी क्षेत्र काटा है और उसमें से क्या जिला बना दिया है, बड़वानी। बड़ के पेड़ सर्वाधिक है वहां पे, इसीलिए उसका नाम बड़वानी रखा गया था। तो बड़वानी किसको काट के बनाया गया है, खरगोन को। और खरगोन की किस दिशा में बड़वानी है, तो खरगोन की पश्चिम दिशा में बड़वानी है। तो यहां तक की बात हो गई हमारी। फिर इससे ऊपर की ओर आते हैं, ऐसे करके एक जिला दिखाई देता है बहुत बड़ा, जिसका नाम क्या है, झाबुआ। जिसका नाम क्या है, झाबुआ। झाबुआ राजा थे वहां पे, जनजाति क्षेत्र के राजा हैं, उनके नाम पे उसका नामकरण झाबुआ हुआ है। तो हम झाबुआ पहुंचे हैं। अब झाबुआ भी हमको बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, तो झाबुआ का क्या है, हम ये दक्षिणी क्षेत्र काटेंगे और क्या बना देंगे इसमें से, अलीराजपुर। क्या बना देंगे, अलीराजपुर। तो झाबुआ का दक्षिणी क्षेत्र काट के क्या बना दिया हमने, अलीराजपुर बना दिया है। अब हम आगे की ओर चलते हैं। अब हम झाबुआ से ऊपर की ओर देखते हैं, तो हमें एक जिले का क्रम दिखाई देगा इस तरीके से। ऐसे करके एक जिला है जिसका नाम है रतलाम। जिसका नाम क्या है, रतलाम। रतलाम है। रतलाम से ऊपर देखते हैं, तो ऊपर जो जिला है उसका नाम क्या है, मंदसौर है। मंदसौर है, लेकिन मंदसौर बहुत बड़ा है। तो मंदसौर का हम उत्तरी क्षेत्र काटेंगे और मंदसौर से ही एक और जिला बना देंगे हम नीमच। कौन सा जिला बना देंगे हम, नीमच। तो मंदसौर को काट के कौन सा जिला बनाया गया, नीमच, या नीमच कौन से जिले को काट के बनाया गया, तो मंदसौर। ये प्रश्न आए हुए हैं, तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, यहाँ और यहाँ एक चीज याद रखने की जरूरत है यहाँ पे, कि नीमच उत्तर दिशा की ओर है कि दक्षिण दिशा की ओर है, ये हमेशा डाउट होता है, क्योंकि जब भी आप मैप भरेंगे और जो प्रश्न है यहीं से घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो नीमच उत्तर की ओर है और दक्षिण की ओर क्या है, मंदसौर है। ऐसे ही यहाँ झाबुआ अलीराजपुर से भी क्या है, यहाँ पे डाउट होता है हमेशा कि झाबुआ ऊपर है कि अलीराजपुर ऊपर है। तो झाबुआ उत्तर दिशा की ओर है अर्थात ऊपर है, और दक्षिण दिशा की ओर अर्थात नीचे की ओर क्या है, अलीराजपुर है। क्योंकि यहां से प्रश्न आया हुआ है, आया हुआ है। कैसा प्रश्न है मैं बताता हूं, कि मध्य प्रदेश का कौन सा जिला महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा को एक साथ छूता है, यानी एक साथ सीमा बनाता है इन दो राज्यों के साथ। तो यहां देखेंगे तो महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा, अर्थात ये महाराष्ट्र है, तो यहां देखेंगे ये हमारा अलीराजपुर यहां से यहाँ छू रहा है, और इधर देखेंगे ये गुजरात को छू रहा है। ठीक है, अगर हमें ये पता है कि झाबुआ अलीराजपुर की लोकेशन कहाँ है और किस तरीके से है, झाबुआ ऊपर है कि अलीराजपुर ऊपर है, तो झाबुआ ऊपर है तभी समझ पाएंगे हम कि अलीराजपुर नीचे की ओर आएगा, वो महाराष्ट्र को छुएगा और गुजरात को भी छुएगा, तो ये उसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है यहां तक समझ में आया होगा। अब इसके पश्चात आगे बढ़ रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आगे बढ़ते हुए देखते हैं, हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि ये जो जगह बची हुई है इसको कैसे भरें, ये जो जगह बची हुई है इसको कैसे भरें। ठीक है, अर्थात ये जो जगह है और यहां से यहां तक की यात्रा जो है, हमने ये गुना बना लिया था हमने, और ये अशोकनगर बनाया था उसमें से। यहां से यहां तक की यात्रा हमने वो वाले मैप में समझी थी। हमारे पास अभी ये वाला स्पेस है, ये स्पेस इतना सारा बचा हुआ है, ये सीवर हमने पहले ही समझ लिया था। ये ठीक है, तो ये वाला स्पेस और ये वाला स्पेस कैसे भरें, तो इसको भरने के लिए एक ट्रिक है। ट्रिक ये है कि दो व्यक्ति हैं, एक मुरैना का रहने वाला है, ये मुरैना से है और ये झाबुआ से है। दो व्यक्ति हैं, एक साथ पढ़ते हैं, एक ही क्लास में हैं, इन दोनों की मित्रता हो जाती है। मित्रता होने के पश्चात ये देखते हैं कि भाषाईगत समस्याएं आ रही हैं। भाषाईगत समस्या आ रही है क्यों, क्योंकि क्योंकि झाबुआ वाला जो व्यक्ति है वो मालवा में आता है। ठीक है, क्योंकि जनजाति क्षेत्र है तो वहां पर भीली भाषा बोली जाती है, जो जनजाति से संबंधित नहीं है तो वो मालवी बोलते हैं। तो मालवी में ये एक शब्द बोलता है, एक पूरा वाक्य बोलता है मुरैना वाले को, यानी झाबुआ वाला मुरैना वाले को बोलता है कि आज तुम्हारे मोड़ो हुई हो, क्लास आने में आज तुम्हारे मोड़ो हुई हो। ये समझ नहीं पाता है, ये समझता है कि कुछ और है, क्योंकि ब्रज भाषा में मोड़ा का मतलब कुछ और होता है, मोड़ा का मतलब होता है लड़का, और मालवी में देखा जाए तो मोड़ा का मतलब होता है कि देर हो गई, आज मुझे देर हो गई, तो ये कुछ और समझ गया। तो भाषाईगत विसंगतियां समझ में आ रही हैं। तो एक दूसरे से पूछते हैं कि तुम कहाँ के रहने वाले हो, तो सबसे पहले क्या है, मुरैना वाला परिचय देता है कि मैं मुरैना से हूँ। तो झाबुआ वाला छूटते से बोलता है कि भिंड मुरैना, कहाँ के हो, भिंड मुरैना के हो। अर्थात हमारे मध्य प्रदेश में ऐसे कई जिले हैं जो जोड़ी में बोले जाते हैं, और जोड़ी उनकी बनती है जो पास पास में होंगे। जैसे यहाँ समझ में आया हमको कि भिंड मुरैना, ये भिंड है ये मुरैना है, अर्थात जोड़ी बन रही है साथ में। यहाँ देखो, यहाँ पे देखो,
जब भी कोई बोलेगा मैं सिंगरौली का हूँ या सीधी का हूँ, तो दूसरा वाला जो इनसे बाहर का जो होगा, इन जिलों से बाहर का, तो हमेशा बोल देगा कि सीधी सिंगरौली, ठीक है, सिवनी छिंदवाड़ा, गुना शिवपुरी, इस तरीके से कई जिलों का क्रम है, खरगोन खंडवा, ठीक, कटनी जबलपुर, इस तरीके से कई जिलों का क्रम है जो हमेशा जोड़ी में बोला जाता है। तो ऐसे ही करके अब क्या है, मुरैना वाला झाबुआ वाला से पूछता है कि तुम बताओ तुम कहाँ के हो, तो वो बोलता है कि मैं झाबुआ का हूँ। तो मुरैना वाला भी छूटते से बोलता है कि धार झाबुआ, अर्थात धार कहीं ना कहीं झाबुआ के बगल में होगा, तभी जाके उसकी जोड़ी बनी है, तभी जाके वो एक साथ बोला है। तो उसकी जोड़ी कैसे बनेगी, तो झाबुआ के पास में होगा। तो झाबुआ के पास में धार है, लेकिन हम उत्तर दिशा की ओर देखेंगे तो हमें रतलाम दिखाई देता है, अर्थात उत्तर दिशा में नहीं होगा। हम पश्चिम दिशा में देखेंगे तो राज्य ही बदल जाता है, तो पश्चिम दिशा में हम देखेंगे तो एक तरफ हमको गुजरात मिल जाता है इसके पश्चिम में, और एक तरफ हमको राजस्थान मिल जाता है, और दक्षिण दिशा की ओर देखेंगे तो अलीराजपुर है। तो बची कौन सी दिशा है, पूर्व दिशा। तो झाबुआ के पूर्व में क्या मिलेगा हमको, धार। झाबुआ के पूर्व में क्या मिलेगा हमको, धार मिलेगा। अब धार से पूर्व दिशा की ओर चल रहे हैं तो हमको मिलेगा मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी इंदौर। क्या मिलेगा हमको, इंदौर। और इंदौर से पूर्व दिशा की ओर चले हम तो ऐसे करके हमको क्या मिलेगा, देवास। क्या मिलेगा हमको, देवास। और देवास की सीमा टच हो गई किससे, सीहोर से, और सीहोर टच है हमारे राजधानी से, जिसका नाम है भोपाल, ठीक है। यदि आप लोग इंदौर से भोपाल गए हो तो देखिए, हम इंदौर से पहले देवास जाते हैं, देवास से सीहोर जाते हैं, सीहोर से भोपाल जाते हैं, ये क्रम पता होगा आपको, ठीक है। तो धार बनाया हमने, धार से पूर्व दिशा की ओर हमने इंदौर बनाया है, और इंदौर की पूर्व दिशा की ओर हमने देवास बनाया है, ठीक है। अब ये है, अब ये जगह बाकी है, तो ये जगह कैसे भरेंगे हम, तो इस जगह को भरने के लिए क्रम है कि धार, इंदौर, देवास, जो तीनों जिले हैं, इन तीनों जिलों के ऊपर क्या है, बाबा महाकाल की कृपा है, इसकी कृपा है बाबा महाकाल। और बाबा महाकाल की नगरी का नाम क्या है, उज्जैन। बाबा महाकाल की नगरी का नाम क्या है, उज्जैन है। तो हमने देख लिया है कि धार, इंदौर, देवास, तो धार, इंदौर, देवास के ऊपर किसकी कृपा है, बाबा महाकाल की, अर्थात उज्जैन। तो उज्जैन देख लिया है। अब उज्जैन से हम उत्तर पूर्व की ओर चलते हैं तो हमें मिलता है साजापुर। क्या मिलता है, साजापुर। लेकिन साजापुर बहुत बड़ा जिला है, तो साजापुर का उत्तरी क्षेत्र काटेंगे हम, इसमें से क्या बना देंगे हम, आगर मालवा। क्या बना देंगे हम, आगर मालवा। तो आगर मालवा किसको काट के बनाया गया है, साजापुर को। साजापुर की किस दिशा में है, तो उत्तर दिशा में, अर्थात बाउंड्री पे क्या है, आगर मालवा। फिर ये जो जगह बच गई है अपने आप में, कौन सा जिला है, राजगढ़। राजगढ़ जिला है, काफी अच्छा जिला है राजगढ़। राजगढ़ वही ब्यावरा वाला राजगढ़, क्योंकि राजगढ़ नाम से और भी शहर है मध्य प्रदेश में, जैसे एक धार में है, सरदारपुर का एक बहुत अच्छा शहर है राजगढ़। तो इस तरीके से हमने यहां तक का क्रम देख लिया है, और राजगढ़ टच हो गया है गुना से, और इससे ऊपर की चीजें हम पहले ही समझ चुके थे, ठीक है। अर्थात हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो क्लॉकवाइज चलते हुए हमें गुना तक टच हो गए हैं, लेकिन हमारे बीच में ये जगह बची हुई है, इसको अब भरना है हमें। अब इसको भरना है तो कैसे भरें, समस्या आ रही है। तो इसको भरने के लिए हम क्या है, एक कोड बनाएंगे, और कोड है बेहोश। क्या कोड है, बेहोश, अर्थात बैतूल के ऊपर होशंगाबाद। अब इसमें देखेंगे बैतूल कहाँ है, तो बैतूल ये है, अर्थात ये बैतूल है, तो इसके ऊपर क्या बनाएंगे हम, होशंगाबाद। तो यहां से लेके यहां तक ये हम होशंगाबाद बना दिए। क्या बना दिए हम, होशंगाबाद। लेकिन आज होशंगाबाद बोलेंगे तो ठीक नहीं है, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं होशंगाबाद का नाम परिवर्तित होके क्या हो चुका है, नर्मदापुरम। नाम परिवर्तित नहीं हुआ है, ये नाम बहुत पहले था मध्यकाल में, चूंकि यहाँ पे मुस्लिम डायनेस्टी रही है ना, होशंग शाह, मालवा का शासक आपने सुना होगा, उसी होशंग शाह ने नर्मदापुरम का नाम बदल के होशंगाबाद रख दिया, और अपने नाम से उसको चलाया। लेकिन वर्तमान सरकार ने इसको बदल के क्या कर दिया है, नर्मदापुरम। तो ये हमारा नर्मदापुरम हो गया। क्या हो गया हमारा, नर्मदापुरम, एकदम नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के संगम पे बसा हुआ है। फिर नर्मदापुरम है, तो नर्मदापुरम का हमने क्या है, पश्चिमी हिस्सा काट के इसमें से एक और जिला बना दिया, जिसका नाम क्या रख दिया हमने, हरदा। पहले हरदा किसका हिस्सा हुआ करता था, नर्मदापुरम का, लेकिन हरदा वर्तमान में एक अलग जिला है, ठीक है। तो ये क्रम देखा हमने। अब नरसिंहपुर से पूर्व दिशा की ओर चले हम, सॉरी, नर्मदापुरम से हम पूर्व दिशा की ओर चले तो हमको मिल गया ये नरसिंहपुर। क्या मिल गया हमको, नरसिंहपुर। और नरसिंहपुर से पूर्व दिशा की ओर चले तो ये है पूरा पूरा जबलपुर। क्या है, जबलपुर। लेकिन जबलपुर जो है, ये देखिए इसकी सीमाएं यहां से यहां तक इस तरीके से हैं, अर्थात बहुत बड़ा जिला समझ में आ रहा है ये।
तो इसको काटेंगे, अर्थात इसका उत्तरी क्षेत्र काटेंगे हम, और काटने से ही हम बना देंगे कटनी। तो जबलपुर का उत्तरी क्षेत्र काट के हमने क्या बना दिया है, कटनी। तो इस तरीके से आज हमारी जो 53 जिलों की यात्रा है वो कंप्लीट हुई है कि 53 जिले किस तरीके से बनाने हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आप लोगों के लिए छोटा सा काम रहेगा कि जिस तरीके से मैंने आपको बनाना सिखाया है वैसे ही आप लोग बनाने की कोशिश करिएगा। एक बार बनाएंगे नहीं समझ में आएगा, जगह छूटेगी, छोटा बड़ा बनेगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बार बनाएंगे तो और फिनिशिंग आएगी, तीसरी बार जब बना लेंगे आप तो उम्मीद है कोई भी जगह नहीं छूटेगी और आपको हर जिले की लोकेशन याद हो जाएगी कि हाँ ये जिला यहाँ है, उसके पड़ोसी जिले कौन से हैं, लगभग सब समझ जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो मैं एक रिवीजन कराता हूँ हल्का सा। तो रिवीजन के तहत देखते हैं हम के सबसे पहले हमने क्या बनाया था, ये मुरैना। मुरैना बहुत बड़ा था तो इसको काट के क्या बना दिया था हमने, श्योपुर। फिर हम मुरैना में खड़े थे, पूर्व दिशा की ओर देखा तो हमको क्या मिल गया था, भिंड। फिर हम भिंड और मुरैना के नीचे की तरफ दक्षिण की ओर देखे थे तो हमें क्या मिला, ग्वालियर। और ग्वालियर में खड़े होकर पूर्व दिशा की ओर देख रहे थे तो हमको क्या मिला, दतिया। अब ग्वालियर दतिया के दक्षिण में हम देखे पूरा पूरा क्या मिला हमको, शिवपुरी। क्या मिला, शिवपुरी। और शिवपुरी के दक्षिण में हमने देखा तो ये पूरा पूरा इस तरीके से हमको क्या मिला, गुना। लेकिन गुना का पूर्वी क्षेत्र काट के हमने क्या बना दिया इसमें से, अशोकनगर। फिर गुना के नीचे हमने क्या, विदिशा बनाया। और विदिशा के दक्षिण में हमने क्या बनाया, भोपाल। क्या बनाया हमने, भोपाल। और भोपाल के राइट में हमने देखा रायसेन है और लेफ्ट में हमने देखा सीहोर है। ठीक है, इसके पश्चात हमने रायसेन की उत्तर की ओर देखा तो सागर जिला मिला हमको, और सागर के पूर्व क्षेत्र में काट के हमने क्या बना दिया था, दमोह। क्या बना दिया था, दमोह। अब हमने यहां से लेके यहां तक का पूरा क्रम देखा है, अर्थात सिंगरौली तक का एक पूरा क्रम देखा है। सबसे पहले टीकमगढ़ बनाया हमने, टीकमगढ़ बहुत बड़ा है तो इसका ये उत्तर वाला क्षेत्र काट के हमने क्या बना दिया, निवाड़ी। फिर हम देखे कि टीकमगढ़ से पूर्व दिशा की ओर चले तो हमें सबसे पहले छतरपुर मिला, छतरपुर के बाद पन्ना मिला, पन्ना के बाद सतना मिला, सतना के बाद रीवा मिला। अब रीवा में हम रुके और रीवा में सबसे नया जिला बना दिया हमने महूगंज, और रीवा की किस दिशा में होगा, तो उत्तर पूर्व दिशा में हमने महूगंज बना दिया। अब इसके पश्चात हम क्या है, आगे की ओर बढ़े और हमने देखा पूर्व दिशा की ओर तो हमें पूरा सिंगरौली मिला, और सिंगरौली को काट के अर्थात पूर्व हिस्सा काट के इसमें से क्या बना दिया हमने, सीधी का पूर्व हिस्सा काट के हमने सिंगरौली बना दिया है। ठीक है, फिर हमने पूरा देखा है ये शहडोल। क्या देखा हमने, ये पूरा शहडोल। लेकिन शहडोल बहुत बड़ा है तो इसका पश्चिमी क्षेत्र काट के हमने ये उमरिया बना दिया, और दक्षिणी क्षेत्र काट के हमने ये अनूपपुर बना दिया। ठीक है, यहां तक समझ में आया। फिर इसके पश्चात हमने मंडला बनाया था, फिर मंडला बहुत बड़ा था तो इसका पूर्वी हिस्सा काट के ये वाला हमने डिंडौरी बना दिया। फिर इसके पश्चात हमने देखा बालाघाट, सबसे किनारे पे हमने बालाघाट बनाया। फिर बालाघाट से लेके अलीराजपुर तक की यात्रा की थी हमने, कैसे, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल। बैतूल के बाद हम लोग रुके थे, हमने निमाड़ का कंसेप्ट समझा था, हमने निमाड़ देखा था, निमाड़ के दो हिस्से किए थे, पूर्वी निमाड़ और पश्चिमी निमाड़। तो पूर्वी निमाड़ का नाम क्या रखा था हमने, खंडवा, और पश्चिमी निमाड़ का नाम क्या रखा था हमने, खरगोन। इसी नाम से जिले वर्तमान में जाने जाते हैं। फिर खंडवा का दक्षिणी क्षेत्र काट के हमने क्या है, ये बुरहानपुर बना दिया था, और खरगोन का पश्चिमी क्षेत्र काट के हमने ये बड़वानी बना दिया था। फिर इसके पश्चात हमने झाबुआ बनाया था, ये झाबुआ था पूरा, झाबुआ बनाया था। फिर झाबुआ का दक्षिणी क्षेत्र काट के हमने उसमें से अलीराजपुर बना दिया। फिर झाबुआ से ऊपर हमने देखा रतलाम है, रतलाम के ऊपर हमने पूरा ये मंदसौर देखा था, लेकिन मंदसौर का उत्तरी क्षेत्र काट के हमने उसमें से नीमच बना दिया था। फिर एक कंसेप्ट लिया था धार झाबुआ भिंड मुरैना वाला, अर्थात जोड़ी वाले जिले। तो जोड़ी वाले जिलों में झाबुआ के साथ हमेशा धार का नाम आता है, धार के साथ हमेशा झाबुआ का नाम आता है। तो धार झाबुआ अर्थात झाबुआ से पूर्व दिशा की ओर हमने धार बनाया, धार के पूर्व में हमने इंदौर बनाया, इंदौर के पूर्व में हमने देवास बनाया, और इन तीनों पे बाबा महाकाल की कृपा अर्थात बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन। फिर उज्जैन से हम पूर्व दिशा उत्तर पूर्व की ओर बढ़े तो हमें साजापुर मिला, साजापुर बहुत बड़ा जिला था, इसका उत्तरी क्षेत्र काट के हमने ये आगर मालवा बना दिया। फिर हमने देखा कि यहाँ एक जगह बच गई है, ये अपने आप में क्या है, राजगढ़ जिला है जो गुना से टच हो गया है। यहां तक की यात्रा पूरी हो गई थी। फिर हमने एक कोट लिया था बेहोश, अर्थात बैतूल के ऊपर होशंगाबाद, तो हमने ये देखा बैतूल, और बैतूल, बैतूल के ऊपर ये हमने पूरा पूरा ये होशंगाबाद बना दिया था जिसका वर्तमान नाम क्या है, नर्मदापुरम। तो नर्मदापुरम का पश्चिमी क्षेत्र काट के इसमें से एक और जिला बनाया गया था जिसका नाम क्या था, हरदा था। फिर हम देखेंगे, फिर इसके पश्चात हमने देखा कि जो नर्मदापुरम है उससे आगे चले तो हम नरसिंहपुर पहुंच गए।
नरसिंहपुर से आगे चले तो हम जबलपुर पहुंच गए। जबलपुर बहुत बड़ा जिला था, इसमें से उत्तरी क्षेत्र काट के इसका नाम काट के कटनी बनाया और इस तरीके से हमने पूरे 53 जिले देखे। उम्मीद है जिलों का क्रम समझ में आया होगा, किस तरीके से भरना है, जिस तरीके से मैंने स्टोरी बनाई है वही स्टोरी के तहत उसी दिशा में आगे बढ़ना है आपको। मेरी गारंटी है आप 53 जिले बड़े अच्छे से समझ जाएंगे, बहुत अच्छे से भर लेंगे उसको मैप में। ठीक है, अब ये तो हो गया मानचित्र, अब ये तो हो गया मानचित्र, लेकिन मानचित्र से क्या है ना, मानचित्र से तो ये है कि इससे अब बहुत सारे प्रश्न बनेंगे। कैसे प्रश्न बनेंगे, तो पहला प्रश्न तो वही जो सबसे पहले देखा था कि मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को छूती है, या मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य कितने हैं। तो हमने 5 देख लिए थे, किस दिशा में कौन सा राज्य है ये हमने समझ लिया था, ये हमने समझ लिया था। ठीक है, तो अब यहां से और प्रश्न क्या हो सकते हैं तो वो देखेंगे हम, वो देखेंगे हम। तो इसके तहत देखते हैं हम कि इसके आगे, ठीक है अब आते हैं यहाँ। तो 5 पड़ोसी राज्य हैं। अगर हम कहें कि मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य के साथ लगती है, या सर्वाधिक सीमा किस पड़ोसी राज्य के साथ बनाता है मध्य प्रदेश, तो हम देखेंगे यहाँ झाबुआ से लेके ये मुरैना तक जो है ये क्या है, राजस्थान है। और यहाँ से देखेंगे ये बहुत घुमावदार है इस तरीके से, है ना, और यहाँ मुरैना तक है। तो ये लगभग 1600 किलोमीटर की बाउंड्री है हमारी, लगभग 1600 किलोमीटर की बाउंड्री है। तो सबसे ज्यादा बाउंड्री जो सीमा बनाता है मध्य प्रदेश वो राजस्थान के साथ बनाता है, इस प्रश्न का जवाब ये हो गया। तो सर्वाधिक सीमा किसके साथ बनती है, तो राजस्थान के साथ बनती है। और न्यूनतम सीमा की बात की जाए, न्यूनतम सीमा, तो न्यूनतम सीमा जो है वो किसके साथ बनती है, गुजरात के साथ। अर्थात गुजरात के साथ मध्य प्रदेश की बाउंड्री बहुत छोटी है और राजस्थान के साथ सबसे बड़ी बाउंड्री है मध्य प्रदेश की। ठीक है, तो 2 प्रश्न ये हो गए। फिर इसके पश्चात चलो अब हमने राज्य देख लिए हैं, अब देखेंगे कि मध्य प्रदेश के जिले कि कौन सा जिला कौन से राज्य की सीमा को छूता है। ठीक है, तो यहां बात करेंगे हम कि जो उत्तर प्रदेश की सीमा है हमारी, तो उत्तर प्रदेश की सीमा को छूने वाले मध्य प्रदेश के कुल जिले कितने हैं, कुल जिले कितने हैं। तो यहाँ देखते हैं हम, इसमें ही आते हैं फिर से मैप में। तो देखेंगे उत्तर प्रदेश कहां से कहां तक है, तो यहां से लेके कहां तक है उत्तर प्रदेश, यहां तक। उम्मीद है ये कलर दिखाई दे रहा हो आपको, यहाँ तक। ठीक है, कौन कौन से जिले हैं यहाँ पर, कौन कौन से जिले हैं यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे हुए हैं, तो उनको समझते हैं। तो पहला तो हमारा ये हो गया मुरैना, दूसरा हमारा हो गया ये भिंड, तीसरा हमारा हो गया ये दतिया, चौथा हमारा हो गया ये शिवपुरी, पांचवा हमारा हो गया ये अशोकनगर, छठवा हमारा हो गया ये सागर, सातवा हमारा हो गया निवाड़ी, आठवां हमारा हो गया है टीकमगढ़, नौवां हमारा हो गया है छतरपुर, दसवां हमारा हो गया है पन्ना, ग्यारहवां हमारा हो गया है सतना, बारहवां हमारा हो गया है रीवा, और 13वां जो है हमारा महुगंज, और 14वां जो है सिंगरौली। यहाँ ध्यान रखना है कि सीधी जिला जो है उत्तर प्रदेश की सीमा को नहीं छूता है, सीधी जिला उत्तर प्रदेश की सीमा को नहीं छूता है। तो उत्तर प्रदेश की साथ सीमा बनाने वाले मध्य प्रदेश के कुल जिले कितने हो गए हमारे, 14। कितने हो गए, 14 हो गए। इसको देख लेते हैं हम, तो हम देखेंगे कि जो हमारा उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश के साथ हमारी जो बाउंड्री वाले जिले हैं वो कुल कितने हैं, 14 है। ठीक है, अब आते हैं दूसरा पड़ोसी राज्य, इसी दिशा में आगे की ओर बढ़ते हैं, यहां से लेके यहां तक कौन सा है ये, यहां से लेके यहां तक कौन सा है ये, तो ये है हमारा छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के साथ में, छत्तीसगढ़ के साथ में कौन कौन से जिले हैं जो सीमा साझा करते हैं, तो सबसे पहला देखेंगे हम ये सिंगरौली, दूसरा देखेंगे हम ये सीधी, और तीसरा देखेंगे हम ये शहडोल, और चौथा देखेंगे हम ये अनूपपुर, और पांचवा देखेंगे हम डिंडौरी, और छठवा देखेंगे मंडला, और सातवा देखेंगे बालाघाट। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की सीमा के साथ जो बाउंड्री बनाते हैं उन जिलों की संख्या कितनी है, 7। इसको भी नोट कर लेते हैं, ये नोट क्यों कर रहे हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ के साथ कितने थे हमारे, 7 जिले थे, 7 जिले थे। लेकिन यहाँ पे डाउट हो रहा होगा आपको, आपने किताबों में पढ़ा होगा कि छत्तीसगढ़ के साथ 7 जिले ना होके कितने हैं, 6 जिले हैं। कितने हैं, 6 जिले हैं। तो यहां मैं समझा दूं कि ये एक जिला है
वहां से मैंने निकाला है, जिसका नाम मैं रख देता हूँ यहीं पे मंडला। क्या नाम रख देता हूँ इसका? मंडला नाम रख देता हूँ। अब मंडला का हमें पता है कि हमने क्या है, शुरुआत में इस तरीके से एक हिस्सा काटा था ये, और ये बना दिया था मंडला को काट के डिंडोरी। ये कब की बात है? 1998 की। आपको अभी समझ में नहीं आएगा क्योंकि मध्य प्रदेश का गठन जस्ट इसके बाद आता है, तो उसको हम समझेंगे। तो मध्य प्रदेश के गठन में समझेंगे कि डिंडोरी कब बना, लेकिन हम यहाँ लिख लेते हैं कि 1998 में बना है। तो 1998 में बना है, ठीक है, 1998 में बना है। तो 1998 में जो ये बना है, ये जो क्षेत्र है, ये किसको दिया गया था? डिंडोरी को। लेकिन इस क्षेत्र के लोगों ने, इस क्षेत्र के लोगों ने क्या है, यहां पे विरोध किया कि हमें डिंडोरी के साथ नहीं जाना है, हमें किसके साथ जाना है? मंडला के साथ। तो बाद में 2012 के आसपास जो है, इसको किसको दे दिया गया? मंडला को। तो जो ये वाला जो हिस्सा है वर्तमान में किसका है? मंडला का है। ये वाला जो हिस्सा है ये वर्तमान में किसका है? ये मंडला का है। तो मंडला की सीमा अब कहां तक आ गई? यहां तक। और ये हमारे छत्तीसगढ़ की सीमा है। तो अब मंडला की सीमा क्या है? इसको टच करेगी, इसको छत्तीसगढ़ को। तो इस तरीके से कुल जिले कितने हो जाएंगे वर्तमान में? 7। कुल जिले कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, हम आगे की ओर बढ़ते हैं और पाते हैं कि महाराष्ट्र की सीमा के साथ कितने जिले बाउंड्री बनाते हैं। तो हम देखेंगे कि सबसे पहला बालाघाट है, फिर दूसरा सिवनी है, तीसरा छिंदवाड़ा है, चौथा बैतूल है, पांचवा खंडवा है, छठवा बुरहानपुर है, सातवा खरगोन है, आठवा बड़वानी है, और नौवा ये अलीराजपुर भी है। अलीराजपुर की सीमा गुजरात और महाराष्ट्र से होती है, मैंने प्रश्न बताया था शुरुआत में। तो कुल जिले कितने हो गए? ये 9 जिले हो गए। तो महाराष्ट्र की सीमा को छूने वाले मध्य प्रदेश के कुल जिलों की संख्या कितनी हो गई? 9। लिख लेते हैं, ये हो गया महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के साथ कितने हो गए? ये 9 हो गए। अब हम देखेंगे कि सबसे कम बाउंड्री कहाँ लग रही है हमारी? गुजरात के साथ में। तो गुजरात के साथ में कितने जिले हैं हमारे, इसके संबंध में समझेंगे हम। तो गुजरात के साथ में जो है हमारे मात्र 2 जिले हैं, एक ये हम झाबुआ देख रहे हैं और एक ये अलीराजपुर देख रहे हैं। तो गुजरात के साथ जो सीमा बना रहे हैं हम कितने हैं? मात्र 2 जिले हैं। कितने हैं? मात्र 2 जिले हैं, ठीक है, 2 जिले हैं। इनको भी लिख लेते हैं अपन। तो ये हो गया हमारा गुजरात, मोदी जी वाला गुजरात। और गुजरात के साथ हमारे मध्य प्रदेश के जिले कितने हैं? 2, ठीक है। अब आते हैं इससे ऊपर की ओर, अर्थात राजस्थान की ओर। तो राजस्थान की ओर देखेंगे कि मध्य प्रदेश के कुल जिले हैं जो राजस्थान को छूते हैं। तो सबसे पहला तो ये झाबुआ, कौन सा है? ये झाबुआ है। दूसरा देखेंगे रतलाम, तीसरा देखेंगे मंदसौर, चौथा देखेंगे नीमच, फिर पांचवा देखेंगे आगरमालवा, छठवा देखेंगे राजगढ़, सातवा देखेंगे गुना, आठवा देखेंगे शिवपुरी, नौवा देखेंगे श्योपुर, और दसवा देखेंगे हम मुरैना। तो राजस्थान के साथ कितने जिले हैं जो सीमा पे लगे हुए हैं? तो कुल कितने हैं? 10 है। कुल कितने हैं? 10 है। तो ये देख लेता हूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ राजस्थान। और राजस्थान के साथ कितने हैं हमारे मध्य प्रदेश के? 10 जिले हैं। कितने हैं? 10 जिले हैं। तो ये हो गए हमारे 10 जिले। अब यहीं से प्रश्न है कि पहला प्रश्न इनसे, ये तो हम समझ लिए कि सर्वाधिक जिले किसके साथ हैं, न्यूनतम जिले किसके साथ बाउंड्री बना रहे हैं। तो सर्वाधिक समझ में आ रहा है हमें उत्तर प्रदेश, और न्यूनतम समझ में आ रहा है हमको गुजरात। अगर यही क्रम जमाने के लिए बोल दिया जाए कि बढ़ते से घटते क्रम में या घटते से बढ़ते क्रम में जमाइए, तो मुझे उम्मीद है आप जमा लेंगे। सबसे पहले अगर घटते क्रम में है तो सबसे बड़ा मतलब बड़े जिले या संख्या में ज्यादा जिले कहाँ है? उत्तर प्रदेश के साथ में 14 है। फिर हम देखते हैं दूसरे नंबर पर राजस्थान है, 10 जिले हैं। फिर तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, 9 जिले हैं। फिर चौथे नंबर पर छत्तीसगढ़ है, 7 जिले हैं। और पांचवें नंबर पर गुजरात है, 2 जिले हैं। इस तरीके से हो गए, ठीक है। तो घटते बढ़ते क्रम में उम्मीद है आप जमा लेंगे। फिर इसके पश्चात और प्रश्न कैसे कैसे हो सकते हैं? तो प्रश्न ये है कि मध्य प्रदेश के कुल सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी है? सीमावर्ती जिले अर्थात जो बाउंड्री पे हैं। तो बाउंड्री पे जिले हैं तो कुल कितने हैं? तो हम देख लेते हैं, इन सबको जोड़ेंगे, ठीक है। 7 4 11, 11 20, 20 2 22, 22 की यहाँ पे 2,
और हासिल दो, दो एक तीन, तीन के बाद एक चार, कुल जिले कितने हो जाएंगे 42। क्या ये उत्तर सही है? प्रश्न फिर से मैं दोहरा देता हूं कि मध्य प्रदेश के कुल सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी है, तो इसका जवाब क्या 42 सही है? तो नहीं है। क्यों नहीं है? तो हम देखेंगे इसका जवाब जो है 42 नहीं है। क्यों? क्योंकि हम देखेंगे, अगर हम मैप देखें इसका, तो यहां देखेंगे कि मुरैना जो है, यहां ये उत्तर प्रदेश की बाउंड्री भी बना रहा है और यहां देखेंगे ये राजस्थान की बाउंड्री भी बना रहा है। यानी उत्तर प्रदेश के 14 जिलों में भी मुरैना की काउंटिंग है और राजस्थान के 10 जिलों में भी मुरैना की काउंटिंग है। तो मुरैना दो बार गिन लिया है जबकि जिला एक ही है, अर्थात 42 जो है उसमें मुरैना दो बार गिन लिया है। ठीक है, फिर देखेंगे कि शिवपुरी जो है, शिवपुरी यहाँ ये उत्तर प्रदेश की बाउंड्री बना रहा है और इधर की तरफ देखेंगे तो ये राजस्थान की बाउंड्री बना रहा है, अर्थात दूसरा जिला कौन सा है? शिवपुरी। तो दो बार काउंटिंग हो गई है इसकी। फिर इसके पश्चात देखेंगे सिंगरौली। तो सिंगरौली हम देखेंगे ये, यहाँ ये उत्तर प्रदेश की बाउंड्री भी बना रहा है और यहाँ ये छत्तीसगढ़ की बाउंड्री भी बना रहा है। तो तीसरा जिला कौन सा है हमारा? सिंगरौली है, जो हमने दो बार काउंट कर लिया है। फिर उसके बाद देखेंगे ये बालाघाट। तो बालाघाट ये यहाँ देखेंगे तो ये छत्तीसगढ़ की बाउंड्री बना रहा है और यहाँ देखेंगे तो ये महाराष्ट्र की बाउंड्री बना रहा है। तो यानी चौथा जिला हमारा बालाघाट है, जो हमने दो बार काउंट किया है इसको। फिर इसके पश्चात देखेंगे हम ये अलीराजपुर, यानी इस दिशा की ओर देखेंगे यहाँ, तो ये गुजरात की बाउंड्री बना रहा है और इधर देखेंगे तो ये महाराष्ट्र की बाउंड्री बना रहा है। यानी पांचवा जिला कौन सा है हमारा? अलीराजपुर, जो हमने दो बार काउंट कर लिया है। ऐसे ही झाबुआ देखेंगे तो यहाँ ये राजस्थान की बाउंड्री पे है और यहाँ देखेंगे तो ये गुजरात की बाउंड्री पे, यानी छठवां जिला जो है झाबुआ है, जो दो बार काउंट कर लिया है। अर्थात आप लोगों ने रीजनिंग पढ़ी होगी। रीजनिंग में एक प्रश्न आता है कि राम का स्थान, जो राम है, ऊपर से पांचवा है और नीचे से भी पांचवा है। तो बताइए इस पंक्ति में कुल कितने सदस्य हैं? ये प्रश्न देखा होगा। तो क्या करते थे हम कि राम को हमने इस पांच में भी काउंट कर लिया है और इस पांच में भी काउंट कर लिया है, तो हम क्या करेंगे, एक में से घटा देंगे, अर्थात राम को एक बार घटा देंगे। तो टोटल कितना हो रहा है? 10। 10 में से एक घटा देंगे तो कितना बचेगा? 9। तो कुल पंक्ति में कितने लोग हो जाएंगे? 9। ऐसा ही यहां करेंगे। तो हमने देखा है कि एक साथ दो राज्यों की जो सीमा है, दो राज्यों की सीमा को छूने वाले जो जिले हैं वो कुल कितने हैं? 6 हैं। अर्थात 6 की काउंटिंग हमने दो बार कर ली, जिस तरीके से राम की काउंटिंग की थी उसी तरीके से 6 जिलों की काउंटिंग कर ली थी हमने। तो 6 जिलों को क्या है, इसमें से माइनस कर देंगे। तो 42 में से 6 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 36। कितने बचेंगे? 36। अर्थात इसका जो जवाब है वो कितना होगा? 36। अर्थात कुल सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 36। सही घटाया है क्या मैंने? हाँ, 12 में से 6 गई तो 6 यहाँ से, ठीक है। तो कितना है? 36 है। तो 36 आंसर होगा इसका, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि कुल सीमावर्ती जिले कितने हैं इसका आंसर आपको मिल गया होगा, ठीक है। अब यहीं पे दूसरा प्रश्न है जिसका आंसर हमने पहले निकाल लिया है, लेकिन प्रश्न अभी दोहरा रहा हूं मैं कि मध्य प्रदेश के ऐसे कुल कितने जिले हैं जो एक साथ दो राज्यों की बाउंड्री को छूते हैं। तो हमने देख लिया था 6 जिले हैं, 6 जिलों में से नाम गिनेंगे। तो सबसे पहले मुरैना है, मुरैना के पश्चात हम देखेंगे, यानी ये मुरैना हो गया, मुरैना के बाद देखेंगे हम दूसरा सिंगरौली हो गया, तीसरा बालाघाट हो गया, एक यहाँ बीच में ये शिवपुरी छोड़ दिए हैं, चौथा शिवपुरी हो गया, पांचवा ये हमारा अलीराजपुर हो गया और छठवा ये है झाबुआ हो गया। तो कुल जिले कितने हैं जो एक साथ दो राज्यों की बाउंड्री पे हैं? वो कितने हैं? 6। ये वाला जो कितने हैं? 6 है। तो यहां से जो प्रश्न बन सकते हैं वो ये है। अब आते हैं बाउंड्री के अंदर वाले जिले, अर्थात वे जिले जो किसी भी राज्य की सीमा पे नहीं है, अर्थात उनको कहते हैं भू आवेष्टित जिले। उनको क्या कहेंगे हम? भू आवेष्टित जिले। भू आवेष्टित जिले। तो भू आवेष्टित जिलों के संबंध में हम देखेंगे कि जो भू आवेष्टित जिले हैं, भू आवेष्टित जिले, तो भू आवेष्टित जिले कैसे निकालेंगे हम? तो हमें पता है कि वर्तमान में कुल कितने जिले हैं, तो 53 हैं, और सीमावर्ती जिले कितने हैं? 36 हैं। तो इनको घटा देंगे हम, जो आंसर आएगा वो क्या होगा हमारा? सीमावर्ती जिले। तो घटा देंगे
तो 13 में से 6 गई, 8, सिर्फ एक, 5 में से 4 गई तो बचेगा एक, यानी कुल जिले कितने हो जाएंगे 18। तो भूआवेश जिलों की संख्या कितनी हो गई है 18 हो गई है, और सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी हो गई है 36 हो गई है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा, उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये है मध्य प्रदेश का मानचित्र, ये है मध्य प्रदेश का मानचित्र। अगर लगे हाथों यही मैं बोलूं कि मध्य प्रदेश के मानचित्र में अगर हम संभाग देखें, तो संभागों को देखने के लिए क्या है, इस वाले मानचित्र को लेते हैं हम। इस वाले मानचित्र में देखेंगे कि अलग अलग रंग में बसाया हुआ है वैसे तो, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि चंबल संभाग में कितने जिले हैं, तो यहां से मैं इस पे क्लिक करता हूं, तो ये शिवपुरी की जो बाउंड्री है, शिवपुर के साथ में इसके ऊपर, फिर ये मुरैना, फिर ये भिंड, तो ये एक जिला, दो जिला, तीन जिला, ये काई में आएंगे चंबल संभाग में। चंबल संभाग का मुख्यालय कहाँ है, मुरैना में। ठीक है, चंबल संभाग का मुख्यालय मुरैना में कब से है, तो 2007 से है। इससे पहले इसका मुख्यालय जो है ग्वालियर में हुआ करता था, यानी तीन जिले जो है भिंड, मुरैना, श्योपुर, ये एक संभाग में थे, लेकिन संभागीय मुख्यालय किसी और जिले में था इन तीनों के अलावा। कहाँ था, ग्वालियर में था 2007 तक। फिर इसके बाद मुरैना में चंबल भवन, संभागीय कार्यालय का नाम है चंबल भवन, वो बन चुका है, फिर उसको स्थानांतरित करके कहाँ ला दिया गया, चंबल भवन में। तो आज वर्तमान में मुरैना में ही चंबल संभाग का मुख्यालय है। तो चंबल संभाग में कितने जिले हैं, तीन जिले हैं। फिर उसके पश्चात देखते हैं हम ग्वालियर संभाग, तो ग्वालियर संभाग में हम देखेंगे कि ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, ये जो जिले हैं पूरे पूरे काय में सम्मिलित है ग्वालियर संभाग में। संख्या कितनी हो जाती है, 5, कितनी हो जाती है, 5। इसके पश्चात देखते हैं हम भोपाल संभाग, तो भोपाल संभाग में खुद भोपाल, फिर विदिशा, फिर रायसेन, फिर सीहोर, फिर राजगढ़, फिर क्या है, राजगढ़। तो इस तरीके से 5 जिले हैं जो काय में सम्मिलित हैं भोपाल संभाग में। फिर हम देखते हैं सागर संभाग, तो सागर संभाग में क्या क्या आएगा, स्वयं सागर आएगा, दूसरा दमोह आएगा, दमोह के बाद हम देखेंगे निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर और पन्ना, अर्थात ये 6 जिले जो हैं ये पूरे पूरे काय में आते हैं, सागर संभाग में आते हैं। इसके पश्चात जो है हम देखेंगे कि रीवा संभाग, कौन सा संभाग, रीवा संभाग, लेकिन रीवा संभाग में रीवा जिले से काट के एक और जिला बन चुका है, यहाँ क्या नाम है, महुगंज। तो रीवा, महुगंज, सतना, सीधी, सिंगरौली, ऐसे करके कुल जिले कितने हो गए हैं, 5। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि वर्तमान रीवा संभाग में कुल कितने जिले हैं, तो एक और जुड़ गया है, तो कितने हो गए हैं, 5 हो गए हैं, और नया जो जुड़ा है उसका नाम क्या है, महुगंज। ठीक है, इसके पश्चात हम आगे चलते हैं, तो हमें मिलता है शहडोल संभाग, क्या मिलता है, शहडोल संभाग। तो शहडोल संभाग में वर्तमान में क्या क्या है, तो उमरिया है और अलीराजपुर है, अनूपपुर है, शहडोल, उमरिया और अनूपपुर, ये किसमें सम्मिलित है, ये पूरे तीन जिले किसमें सम्मिलित है, शहडोल संभाग में। लेकिन पहले डिंडोरी भी इसी के अंतर्गत आता था, लेकिन 2012 से निकाल के इसको जबलपुर संभाग में रख दिया है। ठीक है, तो वर्तमान में तीन ही जिले हैं शहडोल में। फिर इसके पश्चात हम पहुंचते हैं, तो देखते हैं जबलपुर संभाग, कौन सा संभाग, जबलपुर संभाग। तो जबलपुर संभाग सबसे बड़ा संभाग है क्षेत्रफल में, देखेंगे तो स्वयं जबलपुर हो गया, फिर दूसरा कटनी हो गया, कटनी के बाद डिंडौरी हो गया, डिंडौरी के बाद मंडला हो गया, मंडला के बाद बालाघाट हो गया, बालाघाट के बाद सिवनी हो गया, सिवनी के बाद छिंदवाड़ा हो गया और नरसिंहपुर हो गया। तो ये जो जिले हैं, ये जो जिले हैं ये पूरे पूरे गाय में आते हैं जबलपुर संभाग में, और संख्या कुल कितनी है इनकी, 8। तो जबलपुर संभाग में आने वाले जिलों की संख्या कुल कितनी है, 8 है। फिर हम देखते हैं नर्मदापुरम संभाग, तो नर्मदापुरम संभाग में स्वयं नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल, हरदा और बैतूल, ये तीन जिले हैं जो काय में सम्मिलित है नर्मदापुरम संभाग में। फिर इसके बाद जो है इंदौर संभाग है, तो इंदौर संभाग में हम देखेंगे कि जो ये स्वयं इंदौर है, इंदौर के बाद धार है, धार के बाद झाबुआ है, झाबुआ के बाद अलीराजपुर है, अलीराजपुर के बाद बड़वानी है, बड़वानी के बाद खरगोन है, खरगोन के बाद खंडवा है, खंडवा के बाद बुरहानपुर है। तो इस तरीके से जो है ये इंदौर संभाग है, और इंदौर संभाग में कुल कितने जिले आते हैं, यहाँ भी कितने जिले आते हैं, 8 जिले आते हैं। कितने आते हैं, 8 आते हैं। फिर इसके ऊपर जो बचा हुआ है अपने आप में उज्जैन संभाग है, और तो उज्जैन संभाग के जिले देख लेते हैं, तो स्वयं उज्जैन,
देवास, यहाँ ध्यान रखना है कि देवास उज्जैन संभाग में आता है, इंदौर संभाग में नहीं। तो देवास, उज्जैन, शाजापुर, आगर मालवा, रतलाम, मंदसौर, नीमच, ये काय में आते हैं उज्जैन संभाग में। और संख्या कितनी हो गई, तो इनकी संख्या है 7। तो उज्जैन संभाग में आने वाले जिलों की संख्या कितनी है, 7 है। इंदौर में आने वाले जिलों की संख्या कितनी है, 8 है। और नर्मदापुरम में आने वाले जिलों की संख्या 3 है। जबलपुर संभाग में आने वाले जिलों की संख्या 8 है। शहडोल संभाग में आने वाले जिलों की संख्या 3 है। और रीवा संभाग में आने वाले जिलों की संख्या स्पेशली याद रखेंगे वर्तमान में 5 है। और सागर संभाग में आने वाले जिलों की संख्या 6 है। और भोपाल संभाग में आने वाले जिलों की संख्या 5 है। ग्वालियर संभाग में आने वाले जिलों की संख्या भी 5 है। और मुरैना संभाग में यानी चंबल संभाग में 3 जिले सम्मिलित हैं। तो इस तरीके से ये हमने संभाग भी देख लिए हैं आज, इस तरीके से हमने ये संभाग भी देख लिए हैं। उम्मीद है मध्य प्रदेश के मानचित्र के संबंध में आपके जितने भी डाउट्स रहे होंगे वो डाउट्स क्लियर हुए होंगे, और जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो मैंने बताए हैं। इन्हीं को घुमा फिरा के प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए मानचित्र का अध्ययन, मानचित्र का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं इसी के आगे की श्रृंखला में कल।